दोस्तों, यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जंगल का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो शायद आप में से ज्यादातर बिना झिझक एक ही उत्तर देंगे, शेर। आखिर शेर ही तो जंगल का राजा है, जो बिना डरे किसी भी जानवर पर हमला बोल देता है। हम जानते हैं कि शेर एक मांसखोर जानवर है, जिसे खुद को जिंदा रखने के लिए खतरनाक बनना ही पड़ता है। एक अनुमानित संख्या के अनुसार शेर हर साल 200 इंसानों की जान ले लेता है, क्योंकि शेर को खुद की भूख मिटाने के लिए मांस जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लगभग इतने ही इंसानों की जान जंगली भैंस भी ले लेती है, जबकि वो तो घास खाने वाला जानवर है। भैंस तो मांस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, किंतु फिर भी भैंस जंगल में गए इंसानों पर हमला बोल देती है, जिस वजह से अफ्रीकन लोग तो इन जंगली भैंसों को ब्लैक डेथ अर्थात काली मौत के नाम से भी पुकारते हैं। तो क्या अफ्रीकी जंगली भैंस सबसे खतरनाक जानवर है? नहीं। हाल ही में हुए अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि अफ्रीका का सबसे घातक जंगली जानवर भैंस या शेर नहीं, अपितु एक हिप्पोपोटामस होता है। कुछ जानकारों का दावा है कि हर साल अमूमन 500 इंसान हिप्पोज के हमले में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी ये हिप्पो इंसानों की जान लेने में किसी शेर से तो बहुत आगे हैं। आप इस वीडियो में ही देखो, जंगल में सफारी के वक्त एक टूरिस्ट अपनी जीप में बैठकर दूर से ही हिप्पो को देख रहा था, लेकिन हिप्पो को अपने इलाके में किसी की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं हुई और इसने अचानक से ही जीप की ओर दौड़ लगा दी। हालांकि टूरिस्ट समय रहते अपनी जीप को तेज गति से भगाकर हिप्पो के हाथों वीरगति को प्राप्त होने से बच गया। दोस्तों, किसी हिप्पो का वजन 1.5 से 3 टन तक हो जाता है। हालांकि कभी कभार 4 टन भारी हिप्पोज को भी देखा गया है। इनकी लंबाई 15 से 17 फीट और ऊंचाई करीब 5 से 5.5 फीट तक होती है। हिप्पो दिन भर में करीब 16 घंटे सिर्फ पानी में ही रहकर बिताते हैं। ये पानी के ऊपर सिर्फ अपना मुंह बाहर निकालकर तैरते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि ये अनोखी बात है कि अपना अधिकतर समय पानी में बिताने के बावजूद भी हिप्पोज को तैरना नहीं आता। ये पानी के अंदर जमीन की तली का सहारा लेकर एक तरह से ग्लाइड करते हैं। ज्यादातर शोधकर्ताओं का मानना है कि पूरी तरह से तैरने की बजाय हिप्पो का एक न एक पैर हमेशा जमीन की तली को छूता रहता है। वहीं कुछ गोताखोरों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने हिप्पो को न सिर्फ पानी के ऊपर बल्कि पानी के अंदर भी तैरते हुए देखा है। वैसे एक हिप्पो बड़ी ही आसानी से 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। इतनी देर में यह पानी के अंदर रेंगता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर काफी दूर तक चला जाता है। यदि खुराक की बात की जाए तो हिप्पो मुख्य रूप से घास ही खाता है, लेकिन सिर्फ घास खाने के बावजूद ये धरती का सबसे गुस्सेल जीव है। यदि आप नाव में भी सवार हों तो गुस्से के वक्त ये अपने मजबूत जबड़ों से आपकी नाव को भी 2 टुकड़ों में काट सकता है। इस वीडियो को देखिए, यहाँ एक हिरण को पकड़ते जंगली कुत्ते हिप्पोज को देखकर पीछे हट गए। एक बार को लगा कि शायद हिप्पो इस हिरण की जान बचाने वाला है, किंतु गुस्सेल हिप्पो ने तो खुद ही इस हिरण को चबाकर थूक दिया। जाहिर है, यदि किसी जीव के पास इतनी ताकत हो तो एक शेर भी उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि यकीन ना हो तो इस वीडियो पर गौर फरमाइए, जहां एक शेर हिप्पो से डरकर भाग रहा है, किंतु हिप्पो ने इस शेर को पकड़कर शेर के मुंह को ऐसा चबाया कि अब यह शेर कुछ चबाने लायक नहीं रहा होगा। किसी हिप्पो की ऊपरी त्वचा 5 सेंटीमीटर मोटी होती है, साथ ही ये इतनी मजबूत भी होती है कि एक साधारण रिवॉल्वर की गोली इस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हिप्पो की मोटी त्वचा के कारण इसके शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से अपने शरीर को ठंडा करने हेतु इसे पानी में ही पड़ा रहना पड़ता है। पानी में हिप्पो की सत्ता को चुनौती देने के लिए मगरमच्छ के रूप में एक मजबूत दावेदार भी है। मगरमच्छ बड़े से बड़े जीव को पल भर में मार सकता है, किंतु हिप्पो के विशाल जबड़े और भयानक दांतों के कारण मगरमच्छ भी इसका सामना करने की बजाय पतली गली से निकल जाना ही उचित समझता है। वस्तुतः हिप्पो एक ही वार से किसी मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर सकता है। इनके काटने वाले दांत 1.5 फीट तक लंबे हो जाते हैं। ये दांत ही इनका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। मादा को प्राप्त करने के लिए होने वाले युद्धों में इन्हीं दांतों से हिप्पो एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। हिप्पोज की लड़ाइयां
बेहद खून खराबे से भरी हुई होती हैं। लहूलुहान होने के बावजूद भी ये पीछे नहीं हटते। झुंड पर वर्चस्व कायम रखने के लिए कई बार हिप्पो अपने ही बच्चों को भी मार डालते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक बड़े नर हिप्पो ने अपने ही छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार दिया। नर के इस हिंसक व्यवहार को मादा हिप्पो भली भांति जानती है, इसलिए ज्यादातर मौकों पर एक मादा माँ बनते ही अपने छोटे बच्चे के साथ शांति की तलाश में झुंड छोड़कर चली जाती है ताकि वो अपने बच्चे को पाल सके। आमतौर पर सभी जानवरों के बच्चे अपने झुंड के साथ ही सुरक्षित रहते हैं, किंतु हिप्पोज के मामले में ये धारणा उल्टी पड़ जाती है। एक नन्ना हिप्पो पूरे झुंड की बजाय सिर्फ अपनी माँ के साथ ही अपना बचपन पूरा कर पाता है। दोस्तों, भले ही हिप्पो बेहद सुस्त और धीमे दिखाई पड़ते हों, किंतु ये जमीन पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। ये रफ्तार धरती के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट से भी अधिक है। अपनी खाने की जरूरतों को पूरा करने हेतु इन्हें लगातार यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, किंतु मोटी त्वचा की वजह से हिप्पो का शरीर बेहद ही जल्दी गर्म हो जाता है, इसीलिए ये अधिक समय तक पानी से बाहर नहीं रह पाते। गर्मी से बचने के लिए हिप्पो केवल रात के समय ही खाना जुटाने के लिए बाहर निकलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर यात्रा करते हैं। आमतौर पर हिप्पो अपनी खुराक के लिए घास पर ही निर्भर है। ये एक बार में ही 40 किलो तक घास खा जाते हैं। दोस्तों, लंबे समय तक हिप्पोपोटामस को एक शाकाहारी जीव ही समझा जाता रहा है, किंतु हाल ही में कुछ जीव शोधकर्ताओं द्वारा इन्हें मांस खाते हुए भी देखा गया है। अफ्रीकन जर्नल ऑफ इकोलॉजी के विशेषज्ञ लीजिया डोवार्ड ने बताया कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका के क्रूजर नेशनल पार्क के दक्षिणी छोर पर स्थित एक नदी को पार कर रहा था तो मैंने पानी में दो हिप्पो देखे। इनमें से एक मरा हुआ था और पूरी तरह से सड़ चुका था। मरे हुए हिप्पो को चारों ओर से मगरमच्छों ने घेर रखा था और सभी मिलकर उस हिप्पो के मांस को खा रहे थे। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन अनोखी बात यह है कि इस मरे हुए हिप्पो को निपटाने में एक अन्य हिप्पो भी मगरमच्छों का साथ दे रहा था। यह हिप्पो अपने दूसरे हिप्पो साथी के अवशेष खा रहा था। डोरवर्ड यह देखकर दंग रह गए कि शाकाहार के लिए जाना जाने वाला हिप्पो न केवल मांस खा रहा है बल्कि अपनी ही प्रजाति के जीव का मांस खा रहा है। हिप्पोपोटामस के बड़े जानकार डॉक्टर कीथ एल्ट्रिंगम का हिप्पो द्वारा मांस खाने के मामलों के बारे में कहना है कि सामान्यतः जानवर परभक्षी नहीं है, लेकिन पोषक तत्वों या भोजन की कमी उन्हें मांस भक्षण की ओर ले जाती है। आज जंगल में इंसानों के बढ़ते दखलंदाज की वजह से लगातार जंगली क्षेत्र और पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहे हैं, जिस कारण इन हिप्पोज को पर्याप्त मात्रा में पोषण और भोजन नहीं मिल पा रहा। नतीजन भूख से व्याकुल ये जीव अपनी ही प्रजाति के जीव का मांस खाने को मजबूर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इंसानों द्वारा हिप्पोज का बड़े पैमाने पर शिकार भी किया जा रहा है। भले ही ये जानवर कितने ही हिंसक और ताकतवर हों, किंतु मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता के सामने तो ये घुटने टेकने पर मजबूर हो ही जाते हैं। हिप्पोपोटामस का शिकार इंसान इनके बड़े दांतों के लिए करते हैं। इनके दांतों से हाथी दंत के ही समान आभूषण और अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। हिप्पो के एक जोड़ी दांत की कीमत ब्लैक मार्केट में 50,000 से 1,00,000 रुपये तक होती है। आज अफ्रीका में हिप्पोज की संख्या 1,00,000 से ऊपर है, किंतु इस सदी की शुरुआत से लेकर अब तक इनकी संख्या में करीब 20% की कमी आ चुकी है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो इस सदी के अंत तक इस ताकतवर जीव का भी अंत हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।